अब हम लोग 2019 में 3 जनवरी को जब सावित्रीबाई फूले पर बात करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो हम ये महसूस कर सकते हैं कि ये कार्यक्रम बिना किसी जोखिम के हो रहा है। और जब मैं जोखिम कह रहा हूं तो उसका संदर्भ सीधे सावित्रीबाई से जुड़ता है। जिस विश्वविद्यालय की इमारतों के बीच यूथ फॉर सोशल जस्टिस जैसे संगठन 2006 से सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे हैं, इन इमारतों में ही जिनकी बुनियाद इसलिए रखी गई थी कि जो मुल्क दरअसल एक मुल्क था ही नहीं, बाबा साहब ने जब संविधान के रूप में इसे एक मुकम्मल मुल्क बनने का दस्तावेज तैयार किया, उसके बाद दरअसल इसे एक मुल्क बनना था। लेकिन उसमें जो अड़चनें थी वो हमारे समाज की थी, बौद्धिक तबके की थी, और उस मुकम्मल मुल्क बनने की प्रक्रिया में जो बुनियाद का काम करना था जिन कुछ संस्थानों को, उनमें विश्वविद्यालय सबसे प्रमुख थे, यहीं से पीढ़ियां तैयार करना था, ऐसी पीढ़ियां जो अपने अतीत को जाने, अपनी आइडेंटिटी से जुड़े और उस जुड़ाव के बाद ये महसूस करें कि अब तक का इतिहास कोई बहुत सुनहरा इतिहास नहीं रहा। सोने की चिड़िया जैसा थोपा गया विशेषण दरअसल इस मुल्क में सबके लिए लागू नहीं होता। ये मुल्क सबके लिए सोने की चिड़िया नहीं था। संविधान बनने के बाद जो लड़ाई गौतम बुद्ध से शुरू हुई थी, जिसका एक चरण पूरा होता है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान तक, उसके बाद ही तो इसे मुकम्मल मुल्क बनना था, और उसकी बुनियाद रची गई थी विश्वविद्यालयों के जरिए कि वो अपनी पीढ़ियों को समझाएंगे, एक ऐसी पीढ़ी तैयार करेंगे जो अपने समाज को जानेगी, और जहां वो मुल्क नहीं बना था सबके लिए वैसा मुल्क बनाएंगे। लेकिन दिलचस्प है कि जिन संस्थानों के ऊपर जिम्मेदारी थी एक मुल्क को मुकम्मल मुल्क बनाने की, वे ही संस्थाएं उन्हीं रूढ़ियों का शिकार रही जिनके खिलाफ इन्हें लड़ना, और उनमें सबसे बड़ी रूढ़ी थी सामाजिक अन्याय की। और 1990 तक इन संस्थानों की दहलीज तक देश के बहुसंख्यक दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और महिलाएं इस दहलीज तक मुकम्मल रूप से नहीं आ पा रहे थे। इस तबके से जो थोड़े से लोग आए रहे होंगे वो अपनी पृष्ठभूमि के लिए, इसकी वजह से आ पाए, वरना ये विश्वविद्यालय सबके लिए सहज नहीं थे। और अगर होते तो आज सावित्रीबाई फूले पर कार्यक्रम इतनी छोटी सी जगह पर तो नहीं आयोजित हो सकता था। इसके लिए कम से कम कॉन्फ्रेंस सेंटर में हजारों लोग होते, तब हम मानते कि हाँ ये विश्वविद्यालय वैसे विश्वविद्यालय है जैसा बनाने का ख्वाब सावित्रीबाई फूले से लेकर के बाबा साहब तक ने देखा। क्यों थोड़े से लोग, क्यों ये थोड़ा सा, एक छोटा सा समूह, जैसे छोटा केवल इस अर्थ में कह रहा हूं वो काम बहुत बड़े कर रहा है, लेकिन उसने एक पहल की, तब सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि वो 1990 के पहले कौन सी ताकतें थी जो इन सेकुलर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में ही दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और महिलाओं के लिए जगह नहीं बना पाई। और तब हम इस बात पे विचार करेंगे कि हमने कबूल तो कर लिया था संविधान, लेकिन हमने उस संविधान की जो चेतना थी, जो संकल्पना थी, उसे नहीं कबूला। और अगर कबूलते तो राष्ट्र के निर्माता नायकों की सूची में ये नाम दर्ज होता जो गुमनाम न होता। आज आप देखिए औपचारिकताएं निभाई जा रही कि हम सावित्रीबाई फुले को नमन कर रहे, जबकि जिस पर बात करनी है उसी के लिए विश्वविद्यालय तैयार नहीं। सोशल जस्टिस किसी भी स्तर पे नहीं। इस भूमिका के साथ मैं कुछ बातें विषय पर रखूंगा, जो विषय यहां पर रखा गया है कि
बेशक हमारा रास्ता बहुत मुश्किल भरा है, उम्मीद कतई नहीं कर रहा हूं कि इस समूह में जितने लोग बैठे हैं ये उस तबके से ताल्लुक रखते होंगे जिस तबके से सावित्रीबाई फुले आए। इस हॉल में बैठे हुए लोग उनके विचारों से ताल्लुक रखते होंगे और ये मानते होंगे कि उनके विचारों में कुछ ऐसा है जिसकी जरूरत आज भी इस मुल्क को है, और वो यही है कि इस विश्वविद्यालय को ऐसा बनाया जाए जो सबके लिए सहज हो। सावित्रीबाई फुले का जीवन, मतलब अब दूसरी बात, मैं यहीं से विषय पर आता हूं, उच्च शिक्षा से हम जुड़े हुए हैं, क्या हमारे सिलेबस जैसे होने चाहिए वैसे हैं क्या? उस सिलेबस में राष्ट्र निर्माता नायकों नायिकाओं की सूची में ये नाम कहां है? या तो औपचारिकतावश कहीं उल्लिखित कर दिए गए हैं या है ही नहीं, क्योंकि राष्ट्र को बनाने का ठीका तो कुछ जातियों के लोगों ने ले रखा था और उन जातियों में भी ताकतवर लोगों ने। इसलिए इतिहास हमेशा लिखा जाता है सत्ता के द्वारा, ताकतवर लोगों के द्वारा। वो इतिहास तो लिखा ही नहीं गया, वो अभी तक नहीं लिखा गया है जो वाकई इतिहास हो। वरना इस बात का जिक्र जिस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि लाल बहादुर शास्त्री तैर करके स्कूल जाते थे, क्या उस मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है कि एक लड़कियों के लिए विद्यालय खोलने की कोशिश में सावित्रीबाई फूले को 2 साड़ी लेकर के जाना पड़ता था, उनके ऊपर पत्थर बरसाए जाते थे, मैला गिराया जाता था, बाकी सामाजिक वंचनाएं तो कल्पना नहीं कर सकते। उस मुल्क में आज भी हमने अपनी पीढ़ियों को यह शिक्षा नहीं दी है कि दरअसल तुम्हारे राष्ट्र के नायक ये लोग हैं जिन्होंने शिक्षा का दरवाजा खोला। अब वो तो आते थे पिछड़ी जाति से, तो वो बनाती अपने विश्वविद्यालय या विद्यालय स्कूल कि उसमें केवल लड़कियां पढ़ेंगी, वो भी पिछड़ी जाति की। क्या उन्होंने ऐसा किया? उन्होंने कहा हम उनके लिए शिक्षा का दरवाजा खोल रहे हैं जिनके लिए शिक्षा वंचित थी, और उन्होंने सभी लड़कियों के लिए विद्यालय खोले। और आप आज भी देखिए सावित्रीबाई फुले को कौन याद कर रहा है, कौन अपनी आइडेंटिटी से उन्हें जोड़ता है? क्या वाकई कबूल किया इस देश ने? नहीं किया। कबूल करते तो 2017-18 तक जाकर के ये किताब नहीं आती। कितना लिखा है सावित्रीबाई फुले ने, उनका जीवन कैसा है, उनके जीवन परिचय में क्या बातें थी, क्या संघर्ष किया उन्होंने, कितनी कविताएं लिखी हैं, कितने लेख लिखे हैं, कितने पत्र लिखे हैं, गांधी जी ने किस किस को पत्र लिखा पूरा मुल्क जानता है। देश भर के विश्वविद्यालयों में आधा से ज्यादा किताबें, सैकड़ों हजारों किताबें लिखी गई, और जब आप खोजने बैठेंगे कि सावित्रीबाई फुले ने क्या लिखा है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। रजनी तलक की एक किताब मिलेगी जो अभी 2015-16 में आई, और ये भी मुकम्मल नहीं है, ये तो पहली कोशिश है। मैं हिंदी की बात कर रहा हूं, उनका काम तो उनकी मूल भाषा में था। तब ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि विश्वविद्यालयों की, जब टेक्स्ट बुक ही नहीं है तो आप कल्पना करिए कि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में कभी इन्हें पढ़ाया जाएगा क्या? ये मुल्क के पाठ्यक्रम में नहीं है, न इनकी मुकम्मल जीवनी है, न इनका कोई दस्तावेज है। बेशक 2014 में जो निजाम बनता है मुल्क का, उसने अपनी जीवनी लिखवा ली बाल नरेंद्र के नाम से और वो सिलेबस तक में लगी। उनके विचार के लोगों ने दीनदयाल उपाध्याय की जीवनियां हर सरकारी शैक्षणिक संस्थान में रखना कंपल्सरी है। ये क्या उस विचार में नहीं आते? एकात्म मानवतावाद और दूसरी तरफ लड़कियों के लिए विद्यालय, चुनना होगा तो इस मुल्क को क्या चुनना है इसे तय करना है। तो पहली बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि आज भी हम बेशक खुश हो लें कि बिना किसी जोखिम के हम यहां बैठे हैं, हमारे ऊपर कोई हमला नहीं होने वाला है, हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं लगाने वाला, क्योंकि आज वो जान गए हैं कि इस मुल्क ने सावित्रीबाई फुले को कबूल नहीं किया, लेकिन जिनके लिए सावित्रीबाई फुले ने लड़ाई लड़ी थी वे पीढ़ी सजग होकर के विश्वविद्यालयों की दहलीज पर आ गई है, और अब वह आपके
इस दहलीज पर पूरी दमदारी से ऐसे पोस्टर लगाएगी और विषय रखेगी कि सावित्री बाई फुले का सपनों का भारत। ये बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन ये लड़ाई अभी शुरू हुई है। अभी हमें पूरे देश के पाठ्यक्रमों पर नजर रखनी है, पूरे देश के शैक्षणिक जो भी एकेडमिक पूरा प्रोसेस है उस पूरे प्रोसेस में ये लोग नहीं है। अब इस पीढ़ी के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो अपने साथ की पीढ़ी को भी सचेत करे, जो शायद मंदिर बनवाने वाले आंदोलन में कहीं गुम होने के लिए बेताब है, उसे पकड़ करके कहे कि ये स्कूलों की लड़ाई लड़ने वाली सावित्रीबाई फुले के साथ चलना होगा, ज्योतिबा फुले के साथ चलना होगा। तो एक जिम्मेदारी तो इस पीढ़ी के ऊपर ये है कि अपने साथियों के बीच बहसों में हमें ले जाना होगा। हमें बिना किसी हिचक से जो निडरता यूथ फॉर सोशल जस्टिस दिखा रहा है, कल्पना करिए कि चाय की दुकानों पर, किसी फ्रेंड सर्कल में, किसी भी तरह के अनौपचारिक जगहों पर क्या सावित्रीबाई फुले पर आज भी कोई बहस हुई क्या? आज आपने दिन भर कोई बहस सुनी क्या? अपनी मित्रता सूची में कहीं देखा क्या? लेकिन उसके बाद जब हम निकले यहां से तो हमें ये पता हो कि उन लोगों के ऊपर तो इतने जोखिम थे कि आप इस किताब की जीवनी पढ़िएगा। तमाम बातें तो मैं छोड़ रहा हूं, मैं कंटेम्प्रेरी पर बात कर रहा हूं, आप जीवनी पढ़िएगा और कल्पना करिएगा कि हमारे ऊपर तो कोई जोखिम ही नहीं है। हम इसी विश्वविद्यालय में 2006 से यूथ फॉर सोशल जस्टिस नारा लगा रहा है, पिछले 4 साल से हम लोग नारा लगा रहे हैं जय भीम जय बिरसा जय सावित्री जय मंडल, और हमारे ऊपर हमले करने की स्थिति अब उनकी नहीं है, क्योंकि उनको जितना हमला करना था कर चुके, सैकड़ों साल तक किया, हजारों साल तक किया, लेकिन आप कितना दिन तक किसी को दबा पाते? और वो आज 2 कदम पीछे हैं, और आपके ऊपर ये मौका है, ये जिम्मेदारी कि इस बहसों को इस छोटे से कमरे से निकाल करके ले चलना है एकेडमिया में, उस डिस्कोर्स को ले चलना है चाय की दुकानों में, जहां बैठ करके चर्चा होती है कि मंदिर अभी नहीं बना क्या होगा, वहां बैठ करके चर्चा होनी चाहिए कि ये जो तुम स्कूल जा रहे हो तुम्हारी मुक्ति का रास्ता सावित्रीबाई फुले जैसे लोगों ने खोला था। और तब एक छोटी सी कविता मैं सावित्रीबाई फुले की आपसे साझा करता हूं। और भी वक्ता है, जो बातें रह जाएंगी ये लोग बोलेंगे, मैं कुछ कुछ बिंदुओं पर इशारा बस कर रहा हूं। अज्ञानता, एक ही दुश्मन अपना खदेड़ दे उसे हम सब मिलकर, उससे ज्यादा खतरनाक न कोई, खोजो खोजो मन के भीतर झांको। ये मूल रचना से हिंदी तर्जुमा किया गया है। एक ही दुश्मन अपना खदेड़ दे उसे हम सब मिलकर, उससे ज्यादा खतरनाक न कोई, खोजो खोजो मन के भीतर झांको। बताओ तो खोजा क्या अपना दुश्मन, खोजो तो कहां है वह हमारा दुश्मन, सोचो सोचो बताओ बच्चों क्या नाम है उसका, नहीं पता कौन है दुश्मन, क्या तुमने प्रयास किया, क्या तुम्हारा प्रयास विफल हुआ, क्या तुमने खुद ही मान ली हार। चलो चलो मैं बताती हूं, उस दुष्ट खतरनाक दुश्मन की पहचान, ध्यान से सुनो उस दुश्मन का नाम, उस दुश्मन को कहते हैं अज्ञान। चलो पकड़ो अज्ञान को, पकड़ कर इस दुश्मन की करो ठुकाई, करो इतनी पिटाई कि फिर वापस न आए, मार कर इसको दूर भगाओ, चलाए न ये अपनी कोई चतुराई, आओ मिलकर अज्ञानता को दूर भगाए। कविता की तर्ज पर ये थोड़ी कमजोर कविता है, लेकिन क्या हिंदी साहित्य इतिहास में कमजोर कविताएं नहीं पढ़ाई जाती क्या? अरे उस मुल्क में, जिस मुल्क को शिक्षक दिवस मनाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को चुनना पड़ा जिसकी थीसिस तक चोरी के आरोप में है, जिस मुल्क में ज्ञान की देवी एक मिथकीय चरित्र है जिनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, कब पैदा हुई, कब उनका देश काल रहा, मां सरस्वती, उस मुल्क में ज्ञान की देवी का यह अपमान अब भी हो रहा है और इसके खिलाफ हमें लड़ना होगा, यह आज के हमारे समय की जरूरत है। दूसरी बात, आप जीवनी पढ़ें, जब इस पूरी किताब को, जब सुरेंद्र जी का फोन आया कि आपको बोलना है, दरअसल उन विषयों पर बोलना सबसे मुश्किल होता है जिन विषयों के अभी भी आप अध्येता ही हैं,
तो इसलिए मैं बिना किसी मैं कुर्सी पर उधर हूं यही मान के चलूं। जो मैंने पढ़ा जो समझा वही साझा कर रहा हूं। जीवनी मैंने पढ़ी फिर से, दो दिन इस किताब को पढ़ा, आप विश्वास नहीं करेंगे, इस जीवनी ने मुझे आगे पढ़ने के लिए कई बार रोका। और तब मैं फिर से वापस आ रहा हूं कि जो जोखिम सावित्रीबाई फूले जैसे लोगों ने उठाया, घर से निकाल दिया, पूरे समाज में तिरस्कार मिला, सबसे लड़ते रहे, और लड़ने के बाद 1 जनवरी 1848 को पहला स्कूल खोला था। और स्कूल खोलने के समय भी क्या वो स्वीकार कर लिया गया, क्या वो हमला तब भी जारी रहा। और निजी जीवन जब आप पढ़ेंगे तो आप विश्वास करेंगे कि एक छोटा सा वाकया इनके जीवनी में जुड़ा हुआ है कि वो ज्योतिबा फूले को पत्र लिखती है और पत्र में ये दर्ज कर रही हैं कि एक बड़ा खतरनाक भयावह वाकया हमारे गांव में हुआ है। एक लड़की जिसके साथ एक पुजारी ने धोखा देकर के बलात्कार कर दिया, पूरा गांव उस लड़की के ऊपर हमला कर रहा है और उसको मारता है और उसको देश गांव से निकाल दिया। और जिस समय वो पीट रहे थे वो लिखती हैं कि मैं बगल से गुजर रही थी और दौड़ के जा करके सामने खड़ी हो जाती हूँ और उनकी जान बचाती हूँ, वो दोनों आकर के मेरे पैरों पर गिर जाते हैं कि आप न रहते तो ये हमें मार डालते। यानी ऐसा नहीं है कि इस वर्तमान निजाम के आने के बाद ही मॉब लिंचिंग शुरू हुई। अरे मॉब लिंचिंग तो इस मुल्क के दलितों पिछड़ों आदिवासियों की सदियों से होती रही और वो मॉब लिंचिंग का केस यहाँ पर दिखता है। और तब वो पत्र लिखती हैं कि हमने चुपके से तुम्हारा एड्रेस इन्हें दिया है तो मैंने रहने के लिए ठिकाना दे देना। ये थी सावित्रीबाई फूले। हम तो केवल ये जानते हैं, अभी जो जानना शुरू किए तो एक विद्यालय के नाते जानते हैं जो कि सबसे बुनियादी जरूरत है। दूसरा वाकया उसी समय का है कि 4-6 महिलाएं जो दलित घरों की थी वो सवर्ण महिलाओं के सामने जो कुएं की जगत पर खड़ी हैं उनसे कह रही हैं कि हमें पीने के लिए पानी दे दो। वो रो रही हैं, वो पानी मांग रही हैं। यानी एक प्राकृतिक संपदा, यानी मनुष्य होने के नाते इस प्रकृति पर जितना हक सबका है उतना उनका भी था, लेकिन उस पानी और उस महिला के बीच अगर कोई चीज एक व्यवधान बन के खड़ी थी तो वो क्या थी, वो जाति थी। क्योंकि पानी लेकर के जो कब्जा जमाए हुए महिलाएं हंस रही थी वो भी आइडेंटिटी में महिला थी, लेकिन उन्होंने पानी नहीं दिया। और तब सावित्रीबाई फूले लिखती हैं कि मैंने उन सबको बुलाया और अपने घर ले जाकर एक छोटा सा उनके घर के भीतर तालाब बना था, उन्होंने कहा ये तालाब ऐसे तुम्हारा है, जितना चाहे उतना पानी ले। कल्पना करिए ये लोग भारत राष्ट्र के निर्माताओं में कहीं है ही नहीं। राष्ट्र किसने बनाया ये आप तय करिए। तीसरी बात कि आज भी सावित्रीबाई फूले या इस तरह के जितनी भी कोशिशें हुई हैं उन कोशिशों को इसलिए रिकग्नाइज नहीं किया गया क्योंकि उन कोशिशों के ज्यादा कोशिश इस बात पे हुई। सबको पता था कि स्कूल खोला है, छोटी सी इमारत है, इमारत गिर जाएगी, उसमें पढ़ने वाले बच्चे शायद इसी समाज में आएंगे तो भूल जाएंगे उसके लिए किसने विद्यालय खोला। लेकिन एक ऐसी चीज है जिसकी नींव वो रख रही है, जिसकी बुनियाद रच रही है, जो कभी मरेगी नहीं, वो था विचार कि लड़कियां भी इस मुल्क में पढ़ेंगी और वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगी। और वो विचार जिंदा है, इसमें माध्यम याद कर। नहीं पता वो स्कूल की इमारत आज कहां है, नहीं पता कि उनके स्कूल के शुरुआती बच्चे कौन थे, वो लड़कियां कौन थी, लेकिन वो विचार आज हमारे बीच में। इसलिए जो तब उनके खिलाफ खड़े थे उनके नाम बदल गए, उनकी पहचान बदल गई, लेकिन वो आज भी नए चेहरे के साथ, नई आइडेंटिटी के साथ और ताकत से आपके सामने खड़े हैं, आपको उनसे लड़ना है। तो लड़ने के हथियार हमारे पास क्या है, हम क्या हम भी मॉब लिंचिंग करेंगे? नहीं, हम फिर से ऐसी किताबों को पढ़ेंगे और जब कार्यक्रम में जाएंगे तो आपको ये अच्छा लगा कि फूलों का गुलदस्ता जो कल मुरझा जाता वो नहीं मिला, ये विचार मिला है जो हमें।
इसलिए हम इस पूरी मुहिम को लड़ने के लिए एकजुट हुए। बस थोड़ा समय है, बस उसके बाद खत्म कर। कि आज दो चीजें हैं, दो चीजों पर मैं अपनी बात कहूंगा जहां से बात शुरू की थी, कि फिर से सोचिए कि 70 साल इस आजाद मुल्क ने संविधान को लागू करने के लिए दिया, लेकिन आज भी जब उसके शैक्षणिक संस्थानों में भी कोई सामाजिक समरसता तो बहुत खतरनाक शब्द है, इससे बच के रहिए, अच्छा हुआ जिक्र आ गया, क्योंकि जो विचार आपको मारने वाला है वो ये कहता है कि तुम दलित हो दलित बने रहो, हम सवर्ण है सवर्ण बने रहेंगे, हम समरस रहेंगे, एक साथ रहेंगे, लेकिन तुम्हारा हक तुम्हें कभी नहीं देंगे। इसलिए सबसे खतरनाक विचार है सामाजिक समरसता। हमें सामाजिक न्याय की बात करनी है कि हमारा हक जिस पे है, हमारा जल जंगल जमीन, हमारे ज्ञान के प्रतिष्ठान, वो हमें चाहिए। बाकी हम तो अपनी काबिलियत से लोहा ले लेंगे। तब हमें यह सोचना होगा कि इस मुल्क को बनाने के रास्ते अभी भी वही दो हैं, जिसमें अकादमिक संस्थानों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं अपनी कक्षाओं में, जब भी आज मेरी कक्षा थी और आज 3 अलग अलग बैच में करीब 200 बच्चे थे, और मैंने आज भी हाथ उठवाया कि आज किसी एक शख्सियत का जन्मदिन है क्या? 2-4 बच्चे मिले जिन्होंने हाथ उठाया, कहा सावित्री बाई फुले। आप विश्वास नहीं करेंगे, 10 साल पहले जब शुरू किया था तो एक भी हाथ नहीं उठते थे। कुछ चीजें तो बदल रही है, लेकिन लड़ाई हमें ये लड़नी है कि सावित्री बाई फुले के सपनों का भारत कोई अलग भारत नहीं है, वो इसी भारत को मुकम्मल बनाने का भारत का स्वप्न है। उस स्वप्न की बुनियाद यह है कि आप उनकी लिखी हुई चीजें सिलेबस तक आने दीजिए। आपके सामने जब वो इंटरव्यू देने आता है कोई विद्यार्थी, तो आप उसकी जाति मत पूछिए, फिर आप उसकी मेरिट का एग्जाम लीजिए, आप उसकी आइडेंटिटी मत देखें। ये हमें इस एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में बनाना है जो नहीं है। और अभी हम लोग उच्च शिक्षा को बचाने की लड़ाई, अभी मैं धरने से आ रहा हूं, और उस धरने में किस बात के लिए लड़ रहे थे हम लोग? दो चीजों के लिए। पूरी यूनिवर्सिटी को प्राइवेटाइज किया जा रहा है और एंटी सोशल जस्टिस रोस्टर ले आया जा रहा है। रोस्टर का मतलब यह है कि अब दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और महिलाएं, ये लोग अब विश्वविद्यालय में शिक्षक नहीं बन पाएंगे। अरे पहली पीढ़ी तो अभी व्यवस्थित तौर पर आ रही थी और आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और दूसरी तरफ 1990 के बाद जब नई आर्थिक नीतियां आई तो जिन संस्थानों को पब्लिक फंडेड होना था, क्योंकि हमारे पुरखे तो अपना वजूद बचाने में ही खप गए। हम पहली व्यवस्थित पीढ़ी हैं, जो मैं अपने पूरे इलाके का पहला व्यक्ति हूं जो दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी लिया और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा हूं, और आज तक नौकरी परमानेंट नहीं हुई, क्योंकि अब वो जानते हैं कि जब एक को परमानेंट कर दिया तो दरअसल ये तो विचार की तरफ फैलेगा, कल 100 आएंगे, परसों 1000 आएंगे, एक दिन इस पूरे मुल्क के एक एक संसाधन पर कब्जा करेंगे और कहेंगे कि हमारे पुरखों ने इस मुल्क को बनाया था, अब हम इसके शासक होंगे। इससे उनको डर है, इसलिए उस पूरे संस्थान को, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को, प्राइमरी स्कूल को तो पहली बार बात कर दिया, और आज आप अपने गांव में जाकर देखिए कि प्राइमरी स्कूल में किनके घरों के बच्चे पढ़ रहे हैं। आप उनके जातियां निकालिए, आप उनके तमाम तरह की पहचानों को निकालिए, तब आपको पता चलेगा कि उन स्कूलों को क्यों बर्बाद किया है और आज विश्वविद्यालयों को बर्बाद किया है। तो हमारी लड़ाई इस पूरे तंत्र के खिलाफ है, इनको बचाने की लड़ाई है, और उच्च शिक्षा में हमारी लड़ाई अपने वजूद के साथ सिलेबस तक में शामिल किए जाने की। हम इंतजार करते रहे कि कोई ओम प्रकाश वाल्मीकि आएगा तभी जूठन लिखी जाएगी। आपको पूरे ब्रह्मांड के बचाने की चिंता है, लेकिन आपको अपने घर की महिलाओं की चिंता नहीं हुई। महिलाओं के लिए अलग मूवमेंट खड़ा करना पड़ा। दलित जब साहित्य में आया, समाज में आया, तो उसे अलग आइडेंटिटी के साथ आना पड़ा। ओबीसी आए तो अलग आइडेंटिटी के साथ, आदिवासी आए तो अलग आइडेंटिटी के साथ। इसलिए अब हमें इस सिलेबस की लड़ाई, अभी कंचाई ले जाकर से निकाल दिया पाठ्यक्रम से कि नफरत फैला रहे, तो हमें इसके खिलाफ लड़ना है कि नफरत तो तुम फैलाते थे, बस तुम उसे मानवता के कलेवर में रख करके शोषण किए। हम उसके लिए कह रहे हैं कि सावित्री बाई फुले हमारे पाठ्यक्रम में, ये लड़ाई लड़नी है। और दूसरी लड़ाई यही है कि हमारी पीढ़ी के ऊपर वो जिम्मेदारी, क्योंकि हम बहुत थोड़े से लोग हैं जो यहां तक आए हैं, क्योंकि आज भी हमारी उम्र के, हमारे ही पहचान लिए हुए लोग आज भी गांव में अपना वजूद बचाने के लिए, 2 जून की रोटी के लिए
अपना जीवन कुर्बान कर रहे हैं, और उनमें से हम थोड़े से लोग हैं जो इस सेमिनार हॉल में बैठ करके बातचीत कर रहे हैं, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप इस विचारों की आग को जो यहां से चली थी अब उसे और मजबूत करके गांव तक ले चलना है। तब जाकर के उनके सपनों का भारत बनेगा, और तब जाकर के सावित्री बाई फूले का वो ख्वाब पूरा होगा जब उनके स्कूलों में हर पहचान के बच्चे होंगे, शिक्षकों में हर पहचान के लोग होंगे, और उनके सिलेबस में जितनी जगह गांधी और तमाम लोगों को मिलेगी उतनी जगह अम्बेडकर को मिलेगी, और माँ सरस्वती की पूजा करने वाले लोग सावित्री बाई फूले को पूजा मत करो, हम तो ये भी कहते हैं पूजा मत करो, पढ़ने तो दो कि ज्ञान की देवी है। बहुत बहुत शुक्रिया।